कौन है बबल में रहने वाला ये शख्स? क्या मोहब्बत जिमी को मार डालेगी? क्या था जिमी से जुड़ा सच? हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बबल बॉय नामक एक अमेरिकी फिल्म का आपको रिकैप देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिमी लिविंगस्टन नाम का एक लड़का बिना किसी इम्यूनिटी के पैदा हुआ है। एक छोटा सा कीटाणु भी उसे मार सकता है, इसलिए उसे आइसोलेशन में रखा जाने लगा। वो किसी भी चीज को बिना डिसइंफेक्ट किए छू नहीं सकता, इसलिए उसे जीवन भर जीवित रहने के लिए एक बुलबुले जैसे प्लास्टिक के गोले के अंदर रहना होगा। उसकी माँ श्रीमती लिविंगस्टन अपने बेटे की अत्यधिक सुरक्षा करती हैं। जब तक वो 4 साल का नहीं था, उसे घर आने की भी अनुमति नहीं थी। हालांकि जब वो 4 साल का हो गया तो वो और मिस्टर लिविंगस्टन छोटे लड़के को उसके बुलबुले में घर ले आए। उसके कमरे में भी एक बहुत बड़ा बुलबुला है जिसके अंदर वो चल सकता है। बुलबुले में उभरे हुए हाथों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिसका उपयोग उसके माता पिता उसे स्पर्श करने के लिए कर सकते हैं। उसके सभी खिलौनों को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए डिसइंफेक्टेंट किया जाता है और बुलबुले के अंदर रखा जाता है। तब से जिमी उसी कमरे में रहता है। श्रीमती लिविंगस्टन कभी नहीं चाहती कि वो बुलबुला छोड़े, इसलिए वो बेटाइम स्टोरीज राजकुमारी के मरने के साथ समाप्त करती थी, और ऐसा उनके साथ इसलिए होता था क्योंकि उन्हें मुक्त कर दिया जाता था। उसे केवल एक टीवी चैनल देखने और एक मैगजीन पढ़ने की अनुमति थी, क्योंकि श्रीमती लिविंगस्टन जोर देकर जिमी को बताती है कि बस यही एक चैनल और यही एक मैगजीन बने हैं। वो उसके बालों को काटने और अपने बेटे को गले लगाने के लिए उभरी हुई भुजाओं का भी उपयोग करती है। श्रीमती लिविंगस्टन एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं, इसलिए वो जिमी को केवल वही चीजें सिखाती हैं जो उन्हें उचित लगती हैं, और अपने विचारों को उस पर थोपती हैं। हालांकि बेचारा जिमी बेहतर नहीं जानता, इसलिए वो अपनी माँ की कही बात मानता है। शहर में हर कोई यूनिक बबल बॉय के बारे में जानता है, लेकिन यह उसके लाभ के लिए काम नहीं करता है। इसके बजाय पड़ोसी बच्चे खुद को प्लास्टिक की चादर में लपेटते हैं और जिमी के घर के बाहर उसका मजाक उड़ाते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन अक्सर उनका पीछा करती हैं। जिमी केवल घर का बना खाना खाता है। एक प्लास्टिक ट्यूब में एक डिकंटामिनेशन सिस्टम रखा गया है जहां श्रीमती लिविंगस्टन जिमी को खाना देने से पहले कीटाणुओं को मारने के लिए उस सिस्टम में भोजन रखती हैं। जिमी अब 16 साल का हो गया है। वो बताता है कि वो किसी भी अन्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ है और जब उसे कार के बजाय इलेक्ट्रिक गिटार मिलता है तो वो खुश होता है। एक दिन वो अपनी खिड़की पर होता है जब वो देखता है कि उसकी उम्र की एक नई लड़की क्लोई उसके पड़ोस में आई है। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा वो प्यार या लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी माँ ने उसके मुंह को भांप लिया और जिमी को एक लड़के के बारे में कहानी सुनाई जो मर गया क्योंकि उसने एक नेक्स्ट डोर वेश्या को छुआ था। अगले कुछ वर्षों के लिए जिमी क्लोई को अपनी खिड़कियों से बहुत देखता है। वो भी उसे देखते हुए देखती है। वो बताता है कि वो जानता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि क्या। एक सुबह वो अपने आप को एक अलग स्थिति में पाता है और डर जाता है। कॉन्सेप्ट से अनजान वो खुद को बैट से मारता है। वो रोता है और अपनी माँ को बुलाता है। श्रीमती लिविंगस्टन अंदर आती हैं और जब तक वे शांत नहीं हो जाता तब तक उसे निष्ठा की प्रतिज्ञा दोहराने के लिए कहती है। क्लोई के लोकप्रिय दोस्तों का एक समूह है जो जिमी का मजाक उड़ाते हैं, उसे बबल बॉय कहते हैं। वो उसके प्रति डिफेंसिव प्रतीत होती है। एक दिन वो लिविंगस्टन का दरवाजा खटखटाती है और मिस्टर लिविंगस्टन उसे अंदर आने देता है। वो घर के चारों ओर प्लास्टिक ट्यूबों की व्यवस्था देखती है और मोहित हो जाती है। वो ट्यूब को फॉलो करती है और जिमी के कमरे में पहुंचती है। जिमी हैरान और घबराया हुआ होता है क्योंकि उसकी माँ ही एकमात्र ऐसी महिला है जिससे उसने बात की है। क्लोई उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसे उसका गिटार पसंद है। जिमी उसे उभरे हुए हाथों से गिटार सिखाने की कोशिश करता है। वो इसके बीच में निष्ठा की प्रतिज्ञा का पाठ करना शुरू कर देता है। उस दिन की शुरुआत से ही दोनों रोज एक साथ हैंग आउट करते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं आती है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। उनका साथ में समय बिताना मानो रूटीन बन जाता है। वो उसे उसके जन्मदिन के लिए एक गेंद के अंदर एक गिनी पिग देती है और यहाँ तक बच्चों को हेलोवीन के लिए उसके कमरे में लाती है। एक रात उसके जन्मदिन पर नशे में धुत क्लोई खिड़कियों से जिमी के कमरे में घुस जाती है। वो बुलबुले के अंदर जाने की कोशिश करती है और दावा करती है कि वो अब उससे दूर नहीं रह सकती। हालांकि वो अंदर जाने से पहले ही बाहर निकल जाती है। फिर क्लोई की प्रोम नाइट का सीन सामने आता है। उसका परवर्टेड प्रेमी मार्क उसे लेने आता है और जिमी यह देख तबाह हो जाता है। मार्क जिमी को एक सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि यह क्या है। एक रात जिमी मार्क और क्लोई को अपनी खिड़की से किस करते हुए देखता है। अगले ही दिन क्लोई जिमी के कमरे में आती है और उसे अपनी सगाई की अंगूठी दिखाती है। मार्क ने उसे उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उनकी शादी इस सप्ताह के अंत में नियाग्रा फॉल्स में है और वो जिमी को सूचित करने आई होती है। जिमी निराश होता है, लेकिन यह अपने चेहरे पर नहीं दिखाता है। वो उसके लिए एक उपहार भी लेकर आए है जिसे वो उसकी डिकंटामिनेशन ट्यूब के अंदर रखती है, लेकिन जिमी इसे अनदेखा कर देता है।
इसके बजाय वो उसे गिनी पिग वापस देता है और उसे जाने के लिए कहता है। क्लोई अपनी आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। बाद में जिमी उपहार खोलता है और देखता है कि यह एक स्नो ग्लोब है जिसके अंदर आई लव यू लिखा हुआ है। हैरान वो उसका नाम चिल्लाता है और शादी को रोकने के लिए नियाग्रा फॉल्स जाने का फैसला करता है। वो खुद के लिए एक पोर्टेबल बबल शील्ड बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अंत में सफल होता है। फिर वो अपने माता पिता को बताए बिना घर से बाहर निकल जाता है। जिमी पहली बार दौड़कर खुश होता है। वो बस स्टेशन पहुंचता है और वहां के व्यक्ति से बस का टिकट मांगता है। हालांकि जिमी पैसा लाना भूल जाता है। परेशान होकर वो सड़क पार करने की कोशिश करता है जब वो बस से टकरा जाता है। वो उड़ता हुआ जमीन पर जाता है लेकिन उसका बुलबुला उसे बचा लेता है। बस से लोग बाहर आते हैं और उसे सवारी देने की पेशकश करते हैं। जिमी खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेता है लेकिन उसे पता चलता है कि लोग एक रिलीजियस कल्ट का हिस्सा हैं। जब वो पॉइंट आउट करता है तो वे गुस्से में उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। कल्ट ग्रुप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है जहां उनका नेता एक ग्लोब के अंदर एक गोल आदमी को भगवान द्वारा भेजे गए सेवियर के रूप में घोषित करता है। समूह को पता चलता है कि जिमी उनका सेवियर था और उसे ग्लोब से बाहर निकालने के लिए उसकी तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच जिमी स्लिम नाम के एक बाइकर से मिलता है। जिमी उसे अपनी प्रेम कहानी बताता है। स्लिम प्रभावित होता है और बदले में उसे अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में बताता है जिसे वो अभी भी प्यार करता है, जिसका नाम वाइल्ड फायर है। फिर वो जिमी को राइड की पेशकश करता है और वे दोनों नियाग्रा फॉल्स के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। घर पर श्रीमती लिविंगस्टन जिमी को लापता पाती है और बाहर निकल जाती है। श्रीमती लिविंगस्टन और उनके पति जिमी की तलाश में निकल पड़ते हैं क्योंकि पुलिस गायब होने के 24 घंटे बाद ही ऐसा करेगी। दूसरी ओर स्लिम और जिमी वेगस पहुंचते हैं और आराम करने के लिए रुकते हैं। वे एक कसीनो में खूब मस्ती करते हैं लेकिन जिमी के पास शादी रोकने के 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए वो स्लिम को क्लब में छोड़ देता है, एक स्कूटर चुराता है और उसमें भाग जाता है। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद जिमी अपने माता पिता की कार के पास आता है जो उसे दौड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। जल्दी में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन शुक्र है कि उसका बुलबुला उसे दौड़ती हुई ट्रेन में उछाल देता है। वो अपनी माँ से बच निकलता है लेकिन अब वो टैलेंट फ्रीक शो के कलाकारों के साथ एक ट्रेन में फंस जाता है। फ्रीक कलाकार उसे अपने बॉस डॉक्टर फ्रीक के बारे में बताते हैं जो उन्हें पकड़ कर रखता है और अपने संकी शो में उनका इस्तेमाल करता है। जिमी डॉक्टर फ्रीक से मिलता है जो एक बौना है। वो गलती से उस बौने आदमी को अपने बुलबुले से जमीन पर फेंक देता है और अन्य फ्रीक्स को मुक्त कर देता है। फिर वो नियाग्रा फॉल्स के लिए अपना रास्ता जारी रखता है लेकिन अब वो शायद ही स्कूटर का उपयोग कर सकता है, इसलिए वो किसी रेस्टोरेंट में किसी से सवारी के लिए पूछने जाता है। वहां पुलिस अधिकारियों के एक झुंड ने पुष्पॉप नाम के एक व्यक्ति को धमकाया। जब जिमी उन्हें बताता है कि उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है तो वे मान लेते हैं कि जिमी को एक छूत की बीमारी है और वे उस जगह से भाग जाते हैं। अफरा तफरी में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और पुष्पॉप जिमी को एक राइड ऑफर करता है। वो उसे नियाग्रा फॉल्स ले जाने के लिए भी राजी हो जाता है। वही दूसरी ही ओर श्रीमती लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रीक के पास पहुंचती है जो उसे बताता है कि जिमी नियाग्रा फॉल्स जा रहा है। गुस्से में वो क्लोई को कॉल करती है और जिमी को भगाने के लिए उस पर चिल्लाती है। जैसे ही वो डॉक्टर फ्रीक से बात करती है बाहर बाकी के फ्रीक्स उसकी कार चुरा लेते हैं। पुष्पोप और जिमी अपने रास्ते में हैं जब उन्होंने सड़क के बीच में एक गाय को टक्कर मार दी। पुष्पोप परेशान हो जाता है क्योंकि उसके धर्म में गाय भगवान का प्रतीक है लेकिन अपनी माँ के वचन का पालन करते हुए जिमी उसे बताता है कि उसका धर्म झूठा है। इससे पुष्पोप नाराज हो जाता है इसलिए वो जिमी को अकेला वहीं छोड़ देता है। जिमी फिर किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंचता है। वो पिप्पी नाम के एक बूढ़े आदमी से सवारी मांगता है जिसके लिए वो सहमत हो जाता है। जिमी अगली सुबह उठता है और वो आदमी अभी भी कार चला रहा है। जिमी को जल्द ही पता चलता है कि पिप्पी बेजान पड़ा है और कार एक बिलबोर्ड से टकराती है। जिमी एक किराने की दुकान में जाता है और क्लोई को बुलाता है। मार्क फोन उठाता है और जिमी को हार मानने के लिए कहता है क्योंकि वो एक घंटे में क्लोई से शादी करने वाला है। वो अब निराश है इसलिए वो अपनी माँ को फोन करता है और उसे लेने आने के लिए कहता है। उसके माता पिता दोनों उसके पास जाते हैं और उसे कार में बिठा ले जाने लगते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन वॉशरूम जाती हैं। जब मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से पूछते हैं कि पहली बार बाहर निकलकर कैसा लगा, पिता और पुत्र का बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। मिस्टर लिविंगस्टन ने जिमी को कोशिश करने से पहले हार न मानने के लिए कहा। उनकी बात मानकर जिमी शादी रोकने के लिए दौड़ता है। श्रीमती लिविंगस्टन यह देखती हैं और अपनी कार में उसका पीछा करती हैं। उसी समय कल्ट ग्रुप जिमी को ढूंढता है और उसका पीछा करता है। स्लिम भी अपने बाइकर दोस्तों के साथ जिमी को बचाने आता है। स्लिम श्रीमती लिविंगस्टन को देखते ही रह जाता है जो उसका पुराना वाइल्ड फायर होती है। फिर पता चलता है कि ये सब विमान के रनवे पर गाड़ी चला रहे हैं।
एक विमान उड़ान भरता है और जिमी एक पुराने पायलट के साथ बोट पर चढ़ जाता है। वे नियाग्रा फॉल्स के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन विमान क्रैश हो जाता है जिससे जिमी झरने में गिर जाता है। शुक्र है कि उसका बुलबुला उसे डूबने नहीं देता। वो किसी तरह पानी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और शादी के लिए दौड़ पड़ता है। क्लोई और मार्क चैपल में हैं, अपने वाउस कह रहे हैं। जब जिमी चर्च में प्रवेश करता है, क्लोई के लिए अपने प्यार का दावा करता है। यह देखकर क्लोई को मनाने का उसका आखिरी मौका है। वो अपने जीवन को खतरे में डालता है और उसे किस करने के लिए अपना बुलबुला खोल देता है। हालांकि इसके ठीक बाद वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही क्लोई ने उसे जगाने की कोशिश की, मिस्टर एंड मिसेज लिविंगस्टन भी वहां पहुंच जाते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। तब मिस्टर लिविंगस्टन उसे सभी को सच बताने के लिए कहते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन ने शर्मनाक तरीके से खुलासा किया कि जिमी को कोई बीमारी नहीं है और वो अचानक से जाग जाता है। यह पता चलता है कि उसने इतने सालों तक उसे दुनिया की बुराइयों से दूर रखने के लिए उससे झूठ बोला था। जिमी हैरान है, लेकिन अपनी माँ को माफ कर देता है जब वो दावा करती है कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। वो अंत में क्लोई को गले लगाता है और सभी ताली बजाते हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं क्लोई और जिमी शादी कर रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान उनसे मिले सभी लोग शादी में मौजूद हैं। मिस्टर लिविंगस्टन, मिसेस लिविंगस्टन और स्लिम अब एक समूह हैं। फिल्म समाप्त होती है और हम जिमी और क्लोई को अपने हनीमून के लिए एक कार में ड्राइव करते हुए देखते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।